Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about synapse. Synapse क्या चीज़ होते हैं? So इनके बारे में आज हम briefly discussion करेंगे अपने इस वीडियो में. तो synapses को हम दूसरे words में बोल सकते हैं junction. और junction किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ों को आपस में attach किया जाता है, तो एक जो attachment point होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में attach हो रही हैं, उनको बोलते हैं junction और या फिर बोलते हैं सिनेप्स. ठीक है, साइनेप्स या सिनेप्स, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें तो सिनेप्स बोलते हैं. सो इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सिनेप्स क्या होते हैं? इट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड सिनेप्स. जब दो न्यूरॉन्स आपस में एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सिनेप्स. अब दो न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन आगे होता है और एक न्यूरॉन पीछे होता है. मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए कि ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, और दूसरा न्यूरॉन ये इसका डेंड्राइट की बॉडीज़ हैं. ठीक है, और ये इसका एक्सॉन बॉडी और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है. तो जो आगे वाला है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक. सिनेप्टिक का मतलब क्या हुआ? सिनेप्ट मतलब जनरल, जो एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है. तो आगे वाले को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो पीछे वाला है जो इस न्यूरॉन से सिग्नल कैच कर रहा है, ठीक है, आगे वाले से कैच कर रहा है जो सिग्नल, तो इसको बोलेंगे पोस्ट. ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, तो हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच्ड होता है, पर ये याद रखिएगा कि कोई भी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, उसके बीच में कुछ गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. दो न्यूरॉन्स आपस में अटैच ना होकर बीच में एक गैप होता है जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या चीज़ होता है और दो न्यूरॉन किस तरह से अटैच्ड होते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सिनेप्स कैसे होता है या न्यूरॉन्स किस तरह से अटैच्ड होते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप ये जंक्शन जो फॉर्मेशन होती है ये आप समझ गए होंगे. दिस सिनेप्स प्रोवाइड्स द फिजिकल कॉन्टीन्यूटी. फिजिकल कॉन्टीन्यूटी क्या होता है? मतलब जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच्ड होते जा रहे हैं या कॉन्टीन्यूसली अटैचमेंट बनता जाता है, तो ये एक फिजिकल कॉन्टीन्यूटी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, टू न्यूरॉन्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच विथ ईच अदर. ये स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन जंक्शन प्रेजेंट कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. देखिए, मैंने आपको जो अभी बताया कि दो न्यूरॉन की बॉडीज एक दूसरे से एक साथ नहीं अटैच होती हैं, उनके बीच में एक गैप होता है जिनके थ्रू ये कैसे अपना इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये हमने पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था. क्या था वो? न्यूरोट्रांसमीटर. और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल क्या थे? जैसे कि बॉडी में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, हिस्टामिन हो गया, गाबा हो गया, ये कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो न्यूरॉन्स का न्यूरल इम्पल्सेस का कंडक्शन या ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. तो आई होप कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है और किस वजह से इनके बीच में गैप होता है, और इन गैप से ट्रांसमिशन किस केमिकल के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. इनके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिए, हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने इनके बारे में ब्रीफली पूरा बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिनेप्स के साथ. तो साइनेप्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स में हम जानेंगे, दीज आर मेनली क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज. ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी. ठीक, मतलब जो न्यूरॉन्स की एनाटॉमी होती है उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है. और दूसरा कौन सा इनका क्लासिफिकेशन है? इनको फंक्शन के बिहाव पे भी क्लासिफाई किया गया. और तीसरा, इनको नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. अब इन तीनों क्लासिफिकेशन को हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे. सो पहले हम लोग लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी. तो एनाटॉमी के हिसाब से कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है? तो इनका क्लासिफिकेशन, ये इनका सब डिवाइडेड होते हैं छः टाइप में. एनाटॉमी के बिहाफ पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इनकी छः टाइप सामने आएंगी. कौन कौन सी होती हैं? तो इस डायग्राम में सारा सब कुछ तो नहीं समझ में आएगा, पर फिर भी जितना है इस डायग्राम में मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए, कुछ हैं इसमें से क्या है,
जिनका नाम है एक्सोसोमेटिक। सोमा हम किनको बोल रहे थे? न्यूरॉन्स की जो बॉडी थी, जो सेल बॉडी थी, उसको हम बोल रहे थे सोमा। ठीक है, अब एक्सोसोमेटिक का मतलब क्या हुआ? इनको अगर तोड़ देंगे तो एक क्या निकलेगा? एक्सॉन, और दूसरा निकलेगा सोमा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में, कि जो एक्सॉन की ये न्यूरॉन की जो सोमा बॉडी है, मतलब सेल बॉडी जो है, वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल पार्ट के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एक्सॉन किसके साथ अटैच है? किसी दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ, और अपना न्यूरोट्रांसमीटर या अपना जो ट्रांसमिशन है वो फॉर्म कर रहा है। तो इसका नाम क्या है? एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, मतलब जो सोमा है वो किसी दूसरे न्यूरॉन की एक्सॉन के साथ अटैच्ड है, एक जंक्शन बना रहा है, साइनेप्स बना रहा है, तो उसको बोल रहे हैं एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह से सभी चीज़ें, मतलब दो न्यूरॉन किस जगह से अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो उसी हिसाब से उनका नाम दिया गया। अब ये देखिए इसमें क्या है, एक्सोडेंड्राइटिक। एक्सोडेंड्राइटिक में क्या है, ये एक्सॉन बॉडी हो गई पहले वाले न्यूरॉन की, और ये दूसरे न्यूरॉन की हो गई डेंड्राइट्स, हो गए जो रिसीविंग बॉडीज होती हैं, उनके साथ में ये अटैच्ड है और इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कर रहा है। ठीक है, तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिल गए, अगर दो न्यूरॉन का, एक का डेंड्राइट मिल गया और एक का एक्सॉन मिल गया, एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन भी डायरेक्टली नहीं मिलता, एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल किससे डायरेक्टली अटैच है? डेंड्राइट्स के साथ, मतलब रिसीविंग बॉडीज के साथ, तो उसका नाम क्या हो रहा है? एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है, अब तीसरा वाला इसमें कौन सा है? तीसरा इसमें है कि मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये तीसरा वाला इसमें आ रहा है एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स। अब इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल है और ये दूसरे वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल है, और यहाँ पर आकर एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए जहाँ जंक्शन बना रहे उसको साइनेप्स बोल रहे हैं, और एक्सॉन एक्सॉन आपस में मिलकर जंक्शन बना रहे, तो इसलिए इनका नाम क्या है? एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स। तो ये तीन टाइप के साइनेप्स थे जो इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा भी कुछ साइनेप्सेस होते हैं, सो उनको मैं वर्बली ही बता देता हूँ बिकॉज इस डायग्राम में है नहीं और उनका डायग्राम मुझे मिला भी नहीं, सो मैं उनके बारे में बता दूंगा। एक्सोसेक्रेटरी आप समझ गए, एक्सोसेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ? एक्सॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से अटैच्ड होते हैं, ब्लड वेसल के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको डायरेक्टली ब्लड वेसल में या ब्लड स्ट्रीम में ही डिलीवर करते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सोसेक्रेटरी साइनेप्स। एक्सोएक्सोनिक मैंने आपको बता दिया, दो न्यूरॉन की एक्सॉन्स टर्मिनल अगर एक साथ अटैच हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको बोलेंगे एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक भी मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन बॉडी और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटिक, जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो रिसीविंग बॉडी होते हैं, वो अगर आपस में मिलकर एक साइनेप्स बना रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। इन्हीं के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, दूसरा चौथा क्या आ गया? एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, मतलब मैंने आपको बताया कि दो न्यूरॉन आपस में एक साथ नहीं अटैच होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, और उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर गैप या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के थ्रू ये अटैच हो रहा है कोई भी एक्सॉन, तो उसको बोल रहे हैं एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स। मतलब क्या हो रहा है? एक्सॉन जो है ये स्पेस में ही, इस थाली वाली कैविटी में ही न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ देता है या ट्रांसमिट कर देता है, और दूसरे जो न्यूरॉन होता है वो इसी खाली वाले स्पेस एरिया से न्यूरॉन्स को या न्यूरोट्रांसमीटर को कैच कर लेता है, तो इसको बोलते हैं एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर साइनेप्स। दूसरा कौन सा होता है? एक्सोसोमेटिक। मैंने आपको डायग्राम में बताया कि अगर किसी सेल की न्यूरल सेल की सोमा जो होती है, जो उसकी सेल बॉडी है, वो अटैच है किसी एक्सॉन टर्मिनल के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। इसके अलावा अब क्या आ रहा है? एक्सोसिनेप्टिक साइनेप्स। अब ये क्या चीज़ होती है? इसमें क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल हैविंग कनेक्शन विद एक्सॉन टर्मिनल, मतलब दो एक्सॉन, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डेंड्राइट से ही अटैच हो या सेल बॉडी से, दो एक्सॉन आपस में भी अटैच हो सकते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं एक्सोसिनेप्टिक साइनेप्स। ठीक है, तो ये
डायरेक्टली मतलब दो एग्जॉन बॉडी, एग्जॉन टर्मिनल की बात नहीं हो रही, एग्जॉन टर्मिनल डायरेक्ट किसी एग्जॉन बॉडी के साथ अटैच्ड है, तो इसको बोल रहे हैं एक्सोसिनेप्टिक साइनेप्स। यहाँ जो साइनेप्स बन रहा है उसका नाम है एक्सोसिनेप्टिक साइनेप्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इनका कैसे किया गया है, फंक्शन के बिहाफ पे इनको कैसे क्लासिफाई, अभी जो हमने पढ़ा वो एनाटॉमी के बिहाफ पे था कि कैसे कैसे इनका अटैचमेंट होता है, उस हिसाब से उनके नामकरण किए गए थे, उनको नेमिंग की नोमेनक्लेचर किया गया था। अब फंक्शन इनके क्या क्या होते हैं, तो दो तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। इम्पल्सेस मेनली कितने टाइप की होती हैं, या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगी या तो केमिकली इम्पल्सेस होंगी, ठीक है। तो ये जो साइनेप्स हैं, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और अगर कुछ केमिकली इनको देखा जाए तो इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। तो ये क्या होता है, दे आर हैविंग जंक्शन स्ट्रक्चर बिटवीन टू न्यूरॉन, साइनेप्स है तो जंक्शन तो हो गई, दे प्रोवाइड फास्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। जब हम लोग कंडक्शन सिस्टम पढ़ रहे थे नर्व इम्पल्सेस का, तो उसमें हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, तो वो किस में होता है, जो न्यूरॉन की माइलिन शीथ वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें नोड टू नोड ट्रांसमिट होते जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही होती हैं, ठीक है। अब इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब दूसरा कौन सा आता है, केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या होती हैं, दिस साइनेप्स कंसिस्ट वेसिकल हैविंग न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस फिल इन इट। तो न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, एसिटाइल कोलिन हो गया, गाबा हो गया, सीरोटेनिन हो गया, ये जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, ठीक है, ये इनके अंदर भरे होते हैं। अब दो न्यूरॉन मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अटैच तो होते नहीं हैं, तो ये क्या होता है कि बीच में गैप जो होता है, तो ये डायरेक्टली अटैच ना होने की वजह से कैसे अपना ट्रांसमिशन करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर को कैसे दूसरे न्यूरॉन के पास भेजते हैं, तो ये अपनी सेल को जहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर निकलना है उसको रप्चर कर देते हैं, उस सेल के बाहरी स्ट्रक्चर को या वॉल को रप्चर कर देते हैं, और क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं उस स्पेस में, जो एग्जोनिक स्पेस मैंने आपको अभी बताया था ना, उस स्पेस या हॉलो कैविटी में फ्रीली मूव करने लगते हैं जो न्यूरो ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो न्यूरॉन सेल होती है वो उसको कैच कर लेती है। तो ये जो केमिकली साइनेप्स एक बन रहा है, इसको बोल रहे हैं केमिकल साइनेप्स, जो एक कैविटी के थ्रू हो रहा है, हॉलो कैविटी के थ्रू, ठीक है। तो दो तरह की ये फंक्शन के बिहाफ पे हो गया। अब किसके बिहाफ पर इनको क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब इनके नेचर क्या होते हैं, तो न्यूरॉन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक एक्साइटेटरी टाइप के होते हैं और एक इनहिबिटरी टाइप के होते हैं, बिकॉज न्यूरॉन में हर वक्त तो इम्पल्स का कंडक्शन या जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी क्या होता है, इसको हम समझते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज ऑफ आरएमपी लेवल। अब आरएमपी मैंने कंडक्शन वाले पार्ट में बताया था, कंडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि आरएमपी होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब किसका मेम्ब्रेन, कौन सी, नर्व सेल की मेम्ब्रेन। जब वो रेस्टिंग मोड में होती है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब सेल पूरी तरह से रेस्टिंग मोड में है, और ये किसको मतलब आरएमपी का लेवल दूसरे लेवल में चेंज करती है, किसमें चेंज करती है, ईपीएसपी। ईपीएसपी का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेटरी। देखिए एक्साइटेटरी सिनेप्स में एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का चेंज हो रहा है यहाँ, आरएमपी से एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये जो लेवल चेंज हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, एक्साइटेटरी सिनेप्स के थ्रू, ठीक है। जिसके बाद में क्या होता है, फर्दर पोटेंशियल जब चेंज हो जाता है तो डिपोलराइजेशन की कंडीशन आती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है नर्व सेल के अंदर, ओके, ये कल मैंने बताया भी था। और दूसरा कौन सा होता है, इनहिबिटरी, मतलब जब पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो नर्व सेल है वापस रेस्टिंग कंडीशन में आएगी। अब रेस्टिंग कंडीशन में अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब उसके अंदर ट्रांसमिशन चलता ही रहेगा, तो उसका रेस्टिंग कंडीशन में आना ज़रूरी है, अगर नहीं आएगी तो दूसरे किसी स्टिमुलाई का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया भी था, जो एक पीरियड आपको बताया था उसके टाइम पर, जब एक स्टिमुलाई आकर अटैच्ड होता है तो उस टाइम पर दूसरा स्टिमुलाई उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स क्या है कि उसके पहले सेल को रेस्टिंग पोजिशन में आना या रेस्टिंग कंडीशन में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, इनहिबिटरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको रोकता है, रिटार्ड करता है एक्साइटेड स्टेट में जाने से, और इसके लेवल आरएमपी के लेवल को किस में चेंज करता है, आईपीएसपी के लेवल में। आईपीएसपी का मतलब क्या हुआ,
EPXP का मतलब क्या था, एक्साइटेटरी, आई का मतलब यहाँ चेंज हो रहा है इनहिबिटरी, तो IPSP का पूरा मतलब हुआ इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यहाँ RMP से IPSP में पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, जिसके थ्रू क्या होता है रिजल्ट उसका, कि एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है, जबकि एक्साइटेटरी वाले में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जब रेस्टिंग मोड से एक्साइटेटरी मोड में जा रही थी नर्व सेल, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे सिनेप्सिस के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।